फंक्शंस ऑफ बाउंडेड वेरिएशंस का ये सिक्स्थ वीडियो है, आप सभी का स्वागत। इस वीडियो में पहले आइए देखा जाए मोनोटोनिसिटी एंड बाउंडेड वेरिएशन। किसी क्लोज्ड इंटरवल में कोई फंक्शन यदि मोनोटोनिक है तो उसी क्लोज्ड इंटरवल में वो बाउंडेड वेरिएशन वाला भी होगा। एवरी मोनोटोनिक फंक्शन इन ए बी इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए बी। मोनोटोनिक फंक्शन उसे कहते हैं जो मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग हो अथवा मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग हो। तो दो केसेस में हमको डिस्कस करना पड़ेगा। व्हेन, या पहले तो ऐसे लिखा जाए ना, ये कंसीडर किया जाए, लेट एफ ऑफ एक्स बी एनी मोनोटोनिक फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, देन इट इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग और डिक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। अब एक एक केस को बारी बारी से डिस्कस किया जाए। व्हेन एफ इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग, मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी, फंक्शन इज मोनोटोनिकली इंक्रीजिंग क्लोज इंटरवल ए बी में, एक्स आर माइनस वन एक्स आर एल्टीट्यूड्स यानी कि फंक्शनल वैल्यू यानी कि वाई, इस तरीके से एक्स आर पर एफ ऑफ एक्स का मान ज़्यादा होगा एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन पर मान से। वी कैलकुलेट टोटल वेरिएशन वी एफ ए बी विच इज सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन मॉड डेल्टा एफ आर सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी। पी ए बी इज द फैमिली ऑफ ऑल पार्टीशंस ऑफ क्लोज इंटरवल ए बी इक्वल्स टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन मॉड डेल्टा एफ आर का मतलब होता है एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी। अभी मैं समझा रहा था एक्स आर पर जो फंक्शनल वैल्यू है एक्स आर माइनस वन पर फंक्शनल वैल्यू से बड़ा है, ज़्यादा है, ये ज़्यादा है। तो ये जो डिफरेंस है नॉन नेगेटिव डिफरेंस है। मॉड के अंदर अगर एक्स नॉन नेगेटिव है एज इट इज़ बाहर निकल आता है। सो दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन ब्रैकेट मॉड हट गया एज इट इज़ बाहर निकल गया एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी। अब इस डिफरेंस के सम को कैलकुलेट करिए। पहले ही वीडियो में सब आपको बताए थे एक्स आर माइनस एक्स आर माइनस वन इस डिफरेंस का सम आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन बी माइनस ए होता है। तो इसका सम एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए होगा। एक बार फिर समझा देता हूँ, चलो आर इक्वल टू वन आर इक्वल टू टू ऐसे रखते चलो तो डिफरेंसेस बनेंगे एफ ऑफ एक्स वन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट प्लस एफ ऑफ एक्स टू माइनस एफ ऑफ एक्स वन प्लस एफ ऑफ एक्स थ्री माइनस एफ ऑफ एक्स टू प्लस सो वन
प्लस लास्ट में बनेगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स एन माइनस वन, इस तरीके से अल्टरनेटली कटता जाएगा ऐसे। तो ये कोना बचेगा, ये कोना बचेगा, यानी ये आएगा एफ ऑफ एक्स एन माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट, ये सम है। सो दिस इज इक्वल टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स नॉट सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी इक्वल्स टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी। कोई भी पार्टीशन हम लेंगे यही आएगा, कॉन्स्टेंट है ना, यही बार बार आएगा, बार बार आएगा, हर पार्टीशन के करिस्पॉन्डिंग यही आएगा सम। तो सारे सम्स का जब सेट बनाओगे तो यही एलिमेंट सेट में बार बार नहीं लिखेंगे, क्योंकि सेट में एक एंट्री एक ही बार लिखी जाती है, तो सिंगलेटन सेट बनेगा। तो ये हो गया सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, और किसी भी सिंगलेटन सेट का सुप्रीमम यही एलिमेंट होता है। दिस इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए, जो कि एक फाइनाइट नंबर है। टोटल वेरिएशन एग्जिस्ट कर गया, इसलिए फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन वाला होगा। क्यों भाई? इस सेट का सुप्रीमम एग्जिस्ट कर गया। सुप्रीमम माने लीस्ट अपर बाउंड, यानी अपर बाउंड्स हैं इस सेट के पास, यानी ये सेट बाउंडेड अबव है। तो डेफिनेशन यही तो कहता है, ये सम्स का ये सेट अगर बाउंडेड अबव है तो फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन वाला होगा। दस एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन इन ऑन ओवर कोई भी प्रीपोजिशन लगा दें, ओवर क्लोज्ड इंटरवल ए में, ऐसे ही दूसरा लिखते चलिए। When f is monotonically decreasing in closed interval AB, फिर कैलकुलेट करिए टोटल वेरिएशन वी एफ ए बी इक्वल्स टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन मॉड एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी। अब ये मामला उलट जाएगा ना, अब ये ज्यादा हो जाएगा, ये कम हो जाएगा, फंक्शन डिक्रीज कर रहा है, फिगर नहीं बना रहा है, समझ रहे हो ना। डिक्रीजिंग का मतलब फिगर ऐसे बनेगा ना, ऐसे अब जो है कर्व इस तरीके से आएगा ऐसे। एक्स आर पे जो वैल्यू है ये वाली, ये कम हो गई इस वाली वैल्यू से, तो ये जो डिफरेंस है ये नेगेटिव है, तो बाहर निकलेगा माइनस से गुणा होकर निकलेगा। इफ एक्स इज नेगेटिव देन मॉड एक्स इज इक्वल टू माइनस एक्स। इक्वल्स टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन स्मॉल ब्रैकेट मॉड हटा दिए, माइनस से मल्टीप्लाई होके इसको बाहर निकाल दिए, एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन माइनस एफ ऑफ एक्स आर सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी इक्वल्स टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट। अब इसका सम उल्टा हो जाएगा, इसका सम आएगा एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, जो कि कांस्टेंट है, यानी कोई भी पार्टीशन हम लेंगे सम निकालेंगे तो यही आएगा, कांस्टेंट आने का मतलब बार बार यही आएगा। तो सिंगलेटन सेट बनेगा सुप्रीमम सिंगलेटन सेट एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, सिंगलेटन सेट का सुप्रीमम उसके अंदर वाला एलिमेंट होता है एफ ऑफ ए माइनस एफ ऑफ बी, जो कि फाइनाइट है। फिर वही तर्क, टोटल वेरिएशन एग्जिस्ट कर रहा है, फाइनाइट है, इसका मतलब फंक्शन
बाउंडेड वेरिएशन वाला है, दस एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, बहुत इंपॉर्टेंट थ्योरम है, एग्जाम में पूछा जाता है। अब अगले वाले थ्योरम में हम देखेंगे बाउंडेडनेस एंड बाउंडेड वेरिएशन। अभी हमने देखा मोनोटोनिसिटी एंड बाउंडेड वेरिएशन। किसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड है, एक बात। दूसरी बात, उसी क्लोज इंटरवल में फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन वाला है, तो यही रिलेशन हम देखेंगे और देखेंगे कि अगर बाउंडेड वेरिएशन वाला फंक्शन है तो बाउंडेड भी होगा, लेकिन इसका कन्वर्स ट्रू नहीं है। बाउंडेडनेस एंड बाउंडेड वेरिएशन, ऐसा हेडिंग डाल के लिख दे रहे हैं। बाउंडेडनेस एंड बाउंडेड वेरिएशन, इफ एफ इज ऑफ बाउंडेड वेरिएशन ओवर क्लोज इंटरवल ए बी, देन F is bounded. F is bounded in closed interval AB. ये but converse is not true. But converse is not true. Proof. Bounded function जानते हैं ना, कोई फंक्शन बाउंडेड कब होता है किसी क्लोज इंटरवल ए बी में या किसी भी डोमेन में। एफ इज सेट टू बी बाउंडेड इफ देयर एग्जिस्ट रियल नंबर्स लेमडा एंड म्यू से सच दैट लेमडा लेस देन आर इक्वल टू एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू म्यू फॉर ऑल एक्स सेट टू बी बाउंडेड इन, एक डोमेन ले लो क्लोज इंटरवल ए बी, इफ फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये तो भैया है डिफिनीशन, सिर्फ इतना क्या बता रहा है, फंक्शन इज बाउंडेड बिलो, सिर्फ इतना क्या बता रहा है, फंक्शन इज बाउंडेड एबव। तो जब फंक्शन बाउंडेड बिलो बाउंडेड एबव होगा तो उसको बाउंडेड कहते हैं। फिर इसका क्राइटेरियन होता है, गणितपुर मेल प्लेलिस्ट में आपको दो एक वीडियो मिलेंगे बाउंडेडनेस, उसे आप जरूर देख लें। बाउंडेडनेस का पूरा कॉन्सेप्ट आपको एकदम क्लियर हो जाएगा। एफ इज बाउंडेड, ये हम क्राइटेरियन लिख रहे हैं, एफ इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इफ एंड ओनली इफ देयर एग्जिस्ट्स अ पॉजिटिव नंबर के से सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू के फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी। ये प्रूफ शुरू करते ही टोटल वेरिएशन लिखेंगे हम, वी एफ ए बी इक्वल्स टू सुप्रीमम कर्ली ब्रैकेट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम वन टू एन मॉड कैपिटल डेल्टा एफ आर सच दैट पी बिलोंग्स टू पी ए बी। ये क्या चीज़ है, इस सेट का सुप्रीमम है,
सेट का हर एलिमेंट लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम होता है, तो वही लिख दीजिए क्लियरली एलिमेंट सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन मॉड डेल्टा एफ आर लेस देन आर इक्वल टू सुप्रीमम वी एफ ए बी। हर एलिमेंट का भाव कब आएगा, जब आप बगल में लिख दें फॉर ऑल पी बिलोंगिंग टू पी ए बी, क्योंकि एक एक पार्टीशन हम लेते हैं और एक एक सम निकालते हैं, तो ये कह रहा है कि हर पार्टीशन के लिए ये घटना घटेगी, माने इसका हर एलिमेंट वी एफ ये सुप्रीमम से छोटा या कोई एक एलिमेंट बराबर हो सकता है। नंबर वन डाल लेट अस कंसीडर अ पार्टीशन करली ब्रैकेट ए कामा एक्स कामा बी वेयर ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी वेयर x is any point of closed interval AB. x is any point of closed interval AB. Full stop. Bounded variation start में सब बातें आपको खूब बताई गई थी, समझाई गई थी कि हर partition के corresponding एक sum calculate करते हैं, हर पार्टीशन के करिस्पॉन्डिंग एक सम कैलकुलेट करते हैं। सम कौन सा है, सिग्मा आर वेरीज फ्रॉम 1 टू एन मॉड एफ ऑफ एक्स आर माइनस एफ ऑफ एक्स आर माइनस वन, या इस तरीके के सम कैलकुलेट करते हैं। किसी क्लोज्ड इंटरवल के कितने पार्टीशंस हो सकते हैं, इनफाइनाइट नंबर ऑफ पार्टीशंस, हर पार्टीशन के करिस्पॉन्डिंग सम कैलकुलेट करते हैं, इन सभी सम्स का एक सेट बनाते हैं, ये इन सभी सम्स का एक सेट बनाते हैं। अगर ये सेट बाउंडेड एबव हुआ तो हम कहते हैं फंक्शन क्लोज्ड इंटरवल ए बी में बाउंडेड वेरिएशन वाला है। हर पार्टीशन के करिस्पॉन्डिंग सम कैलकुलेट करते हैं, तो ये जो सेट ऑफ ऑल सम्स है उसमें एक एलिमेंट इस पार्टीशन के करिस्पॉन्डिंग सम भी तो होगा, ये भी तो एक पार्टीशन लिया हमने, तो इसके करिस्पॉन्डिंग सम निकालिए। सम कैसे निकालते हैं, फंक्शनल वैल्यू एट दिस पॉइंट माइनस फंक्शनल वैल्यू एट दिस पॉइंट प्लस फंक्शनल वैल्यू एट दिस पॉइंट माइनस फंक्शनल वैल्यू एट दिस पॉइंट, तो ये सम निकलेगा इसके करिस्पॉन्डिंग। देन By virtue of one, ये रिजल्ट यही कह रहा है कि हर सम टोटल वेरिएशन से कम होगा, तो इसके करिस्पॉन्डिंग जो सम आएगा, नीचे लिखा क्या आएगा, मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए प्लस मॉड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी लेस देन आर इक्वल टू वी एफ ओवर ए बी होगा। जो मॉडुलस होते हैं, किसी भी क्वांटिटी का मॉडुलस लिखा जाए तो वो नॉन नेगेटिव नंबर्स होते हैं, तो ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, ये भी नॉन नेगेटिव है, अर्थात इसको सिंबॉलिकली ऐसे लिख देना, अल्फा प्लस बीटा लेस देन आर इक्वल टू गामा वेयर अल्फा कामा बीटा कामा गामा ऑल आर नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स, तो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स न लिख करके नॉन नेगेटिव नंबर्स हम लिखते हैं, वजह बताते रहे, क्योंकि नेगेटिव होना पॉजिटिव होना ये रियल नंबर का ही स्वभाव होता है। नंबर अगर रियल नहीं है तो कॉम्प्लेक्स नंबर होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर में ये स्वभाव होता ही नहीं पॉजिटिव नेगेटिव होने का, तो अगर किसी नंबर को हम पॉजिटिव नेगेटिव कह रहे हैं तो इसका मतलब वो रियल नंबर ही है। देयरफॉर
अब ये रिजल्ट रियल नंबर्स की दुनिया का है कि अगर दो नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स का सम एक नॉन नेगेटिव रियल नंबर से छोटा है तो प्रत्येक इससे छोटे होंगे. देयरफॉर अल्फा लेस देन आर इक्वल टू गामा, बीटा लेस देन आर इक्वल टू गामा, दैट इज मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू वी एफ ओवर ए बी एंड मॉड एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू वी एफ ओवर ए बी. इन्हें सम्मिलित रूप से नंबरिंग कर दे रहे हैं टू. रियल एनालिसिस से ही एक रिजल्ट हम और उठा रहे हैं. एक रिजल्ट तो ये था, एक और उठा रहे. वी नो दैट मॉड यू माइनस मॉड वी लेस देन आर इक्वल टू मॉड यू माइनस वी फॉर ऑल यू कामा वी बिलोंगिंग टू कैपिटल आर. देयरफॉर मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड एफ ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस एफ ऑफ ए होगा. और फिर इसको कनेक्ट कर दो देखो इससे, और ये लेस देन आर इक्वल टू वी एफ ए बी है. अब किनारे किनारे वाला कनेक्शन कर दो. इम्प्लाइज दैट मॉड एफ ऑफ एक्स माइनस मॉड एफ ऑफ ए लेस देन आर इक्वल टू वी एफ ए बी इम्प्लाइज दैट मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू वी एफ ए बी प्लस मॉड एफ ऑफ ए. देखो जब आपने कहा था कि लेट या एक पार्टीशन लिया था हमने कर्ली ब्रैकेट ए कामा एक्स कामा बी, तो उसी समय एक्स के बारे में आपने कुछ कहा था वेयर एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी. यहां पर जो एक्स है वेयर एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ, फिर से मैं लिख रहा हूं, वेयर एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ क्लोज्ड इंटरवल ए बी. तो देखो इसको हम कह सकते हैं देयरफॉर दिस प्लस दिस को अगर यहीं पर हम लिख दिए होते इक्वल्स टू कोई नंबर डाल दें के, खाली है के ब्रैकेट में लिख दो से ऐसे, तो ज्यादा अच्छा रहेगा. ये नॉन नेगेटिव नंबर है, ये भी नॉन नेगेटिव नंबर है. देयरफॉर देयर एग्जिस्ट्स अ नॉन नेगेटिव नंबर के सच दैट मॉड एफ ऑफ एक्स लेस देन आर इक्वल टू के वेयर एक्स इज एनी पॉइंट ऑफ, तो जनरलाइज करिए फॉर ऑल एक्स बिलोंगिंग टू क्लोज इंटरवल ए बी एंड सो एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल ए बी. ये सिद्ध हो गया, प्रूव कर दिया हमने कि क्लोज इंटरवल ए बी पर अगर फंक्शन बाउंडेड वेरिएशन वाला है तो क्लोज इंटरवल ए बी में वो बाउंडेड भी होगा. अब हम दिखाने जा रहे हैं कन्वर्स टू नहीं है, निगेट करने जा रहे हैं इस स्टेटमेंट को. निगेट करने के लिए एक एग्जाम्पल कोट कर दिया जाता है, बस लॉजिकल प्रूफ इसका नहीं होता है. कहीं भी कन्वर्स इज नॉट ट्रू आपको दिखाना हो तो आप एक एग्जाम्पल कोट कर दिया करिए. जो बात को काट दे. कन्वर्स इज नॉट ट्रू. ये बात समझते हैं कि नहीं? अब कन्वर्स इज नॉट ट्रू. जैसे देखो मान लो आपसे कहें इस क्लास के सभी स्टूडेंट्स ऑनेस्ट हैं, तो इसको प्रूव करने के लिए लॉजिक देना पड़ेगा, या मैकेनिकल इस्तेमाल करें किसी टूल का, तो हम ऑनेस्टी नापने का कोई एक पहले पैमाना फिक्स करें और उस पैमाने पर उस स्केल पर सभी लड़कों को चेक कर लें, सभी स्टूडेंट को पता चल जाएगा सारे के सारे ऑनेस्ट है कि नहीं.
इस क्लास के सारे स्टूडेंट्स ऑनेस्ट हैं? ना भाई ना। इसको इंग्लिश में कैसे लिखेंगे? नॉट ऑल द स्टूडेंट्स ऑफ दिस क्लास आर ऑनेस्ट। नॉट पहले लगेगा क्योंकि पूरे सेंटेंस को हम निगेट कर रहे हैं। नॉट ऑल द स्टूडेंट्स आर ऑनेस्ट, तो ये कैसे प्रमाणित होगा? कोई एक स्टूडेंट डिसऑनेस्ट आप क्लास में ढूंढ लें, कर देखिए सर ये डिसऑनेस्ट है, ऑनेस्ट नहीं है। इसका मतलब सारे स्टूडेंट्स ऑनेस्ट हैं ऐसी बात नहीं है। तो वही एग्जाम्पल कोट कर दिया जाता है। तो एक एग्जाम्पल कोट कर दे, आइए। लेट अस कंसीडर द फंक्शन f of x equals to curly bracket x sin pi by x, x sin pi by x comma x not equal to 0, 0 comma x equal to 0 semicolon x belongs to closed interval 0, 1. Closed interval 0, 1 में ये function bounded variation वाला नहीं होता है। ये हम already पढ़ चुके हैं आपको, कि numerical जब बताए थे, example बताए थे, तो उसमें ये हो चुका है। We know that this function is not of bounded variation, is not of bounded variation over closed interval 0, 1. अब हम क्या करने जा रहे हैं? शो कर दें कि ये बाउंडेड है। टू शो दैट f इज बाउंडेड इन क्लोज इंटरवल 0, 1। थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा फंक्शन है, इसलिए सीधा सीधा बोल भी नहीं सकते कि ये बाउंडेड है या बाउंडेड नहीं है। इसके लिए एक लंबा रूट हमको अख्तियार करना पड़ेगा। बाउंडेडनेस थ्योरम एक होता है, प्रॉपर्टीज ऑफ कंटिन्यूस फंक्शंस चैप्टर में पढ़ते हैं हम लोग। मोस्टेस्ट थ्योरम, बोल्ज़ेनो थ्योरम, बोरेल्स थ्योरम, बाउंडेडनेस थ्योरम, इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, ढेर सारे थ्योरम वहाँ पे। तो बाउंडेडनेस थ्योरम ये कहता है कि किसी क्लोज्ड इंटरवल में कोई फंक्शन यदि कंटिन्यूस हो तो बाउंडेड भी होगा। तो इसको हम क्लोज्ड इंटरवल 0, 1 में कंटिन्यूस दिखाने जा रहे हैं। अच्छा, पहली बात देखिए, अभी हम लोगों ने पढ़ा कि फंक्शन यदि बाउंडेड वेरिएशन वाला है तो वो बाउंडेड भी होगा। कन्वर्स क्या होगा कि फंक्शन अगर बाउंडेड है तो बाउंडेड वेरिएशन वाला भी होगा, ये ट्रू नहीं है। यानी फंक्शन बाउंडेड तो है लेकिन वो बाउंडेड वेरिएशन वाला नहीं है, ऐसा एक उदाहरण प्रस्तुत कर दिया जाए तो वही उदाहरण प्रस्तुत है। अभी हम दिखा दे रहे हैं ना कि बाउंडेड है लेकिन ये बाउंडेड वेरिएशन वाला नहीं है। तो आइए स्टार्ट करें। नंबर एक, कंटिन्यूटी हम चेक करने जा रहे हैं। जीरो पर क्लोज्ड इंटरवल में कंटिन्यूटी कब एस्टेब्लिश्ड होती है? जब लेफ्ट एंड पॉइंट पर राइट कंटिन्यूटी हो, राइट एंड पॉइंट पर लेफ्ट कंटिन्यूटी हो, और एल्सवेयर कंटिन्यूटी हो। राइट कंटिन्यूटी माने राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू, लेफ्ट कंटिन्यूटी माने लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू वैल्यू। देखिए, तो जीरो पर हमें राइट हैंड लिमिट निकालना है। एफ ऑफ जीरो प्लस जीरो उसका नोटेशन हुआ और बाई डेफिनेशन ही हो जाएगा लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ जीरो प्लस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एफ ऑफ एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह एच रखिए पहले वाले में, तो हो गया एच साइन पाई बाई एच। साइन पाई बाई एच ये ऑसिलेटरी लिमिट है, लेकिन h से गुणा होने पर सिनेरियो चेंज हो जाता है। सिर्फ h की लिमिट निकालेंगे तो जीरो आएगा, और ये जो फंक्शन है ये बाउंडेड फंक्शन है, इसलिए इनके प्रोडक्ट की लिमिट भी जीरो होगी। अभी हम इसको लिख दें, फिर वो रिजल्ट भी लिख देंगे, इक्वल्स टू जीरो। और जीरो पर फंक्शन की वैल्यू जीरो है, तो जीरो इक्वल टू एफ ऑफ जीरो, राइट हैंड लिमिट इक्वल टू वैल्यू आ गया। नंबर टू, अब चलिए वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट निकालना है। एफ ऑफ वन माइनस जीरो,
एफ ऑफ, यहां पे लिखते चले, वी नो दैट इफ लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू जीरो एंड जी ऑफ एक्स इज बाउंडेड, देन लिमिट एक्स टेंस टू ए, एफ ऑफ एक्स इंटू जी ऑफ एक्स ऑल्सो इक्वल्स टू जीरो. बहुत इंपॉर्टेंट फंक्शन है और ये तो जानना ही चाहिए. ये लिमिट इंटरमीडिएट में ही आ जाती है सामने, लेकिन वहां पे ये थ्योरम नहीं पढ़ाया जाता, बाउंडेडनेस का कॉन्सेप्ट नहीं है, तो वहां पे किसी और तरीके से समझा दिया जाता है. देखो नंबर टू, वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट एफ ऑफ वन माइनस जीरो इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ ऑफ वन माइनस एच इक्वल्स टू लिमिट एच टेंस टू जीरो, एक्स की जगह वन माइनस एच रखा जाए तो वन माइनस एच साइन पाई अपॉन वन माइनस एच, एच इक्वल्स टू जीरो लिमिट लिया जाए, लिमिट एच टेंस टू जीरो, सॉरी एच बराबर जीरो रखेंगे तो कितना आएगा, वन इंटू साइन पाई यानी कि साइन पाई विच इज जीरो विच इज वैल्यू एट जीरो. तो वन पे लेफ्ट हैंड लिमिट बराबर सॉरी वन पे ना एफ ऑफ वन चाहिए हमें, एफ ऑफ वन कितने के बराबर होगा, देखो एक्स की जगह वन रखो, वन साइन पाई बाई वन माने साइन पाई माने जीरो, तो वन पर वैल्यू वन पर लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर हो गया. और अब जो बच गया जीरो और वन को छोड़ के जो बच गया, क्या बच गया, ओपन इंटरवल जीरो वन. ओपन इंटरवल जीरो वन में कंटिन्यूटी एस्टेब्लिश करने जा रहे हैं, उसके लिए हम डिफरेंसिबिलिटी का रास्ता अख्तियार करेंगे. नंबर तीन, एफ डैश एक्स बराबर निकालिए, फर्स्ट फंक्शन एक्स डिफरेंशियल ऑफ सेकंड कॉस पाई बाई एक्स इंटू पाई बाई एक्स का डेरिवेटिव माइनस पाई बाई एक्स स्क्वायर, फिर एक्स का डेरिवेटिव वन साइन पाई बाई एक्स जो कहते हो. ये एक लाइन और लिख लें, सिंप्लीफाई कर लें, माइनस पाई और ये नीचे आएगा एक्स माइनस पाई बाई एक्स कॉस पाई बाई एक्स प्लस साइन पाई बाई एक्स. क्या यह ओपन इंटरवल जीरो वन में एग्जिस्ट करेगा, यह पूरी क्वांटिटी कहां एग्जिस्ट नहीं करेगा, जहां एक्स बराबर जीरो होगा, समझ रहे ना, ओपन इंटरवल जीरो वन में तो जीरो होता नहीं, तो लिख दो विच एग्जिस्ट्स, विच एग्जिस्ट्स इन ओपन इंटरवल जीरो वन. डेरिवेटिव ओपन इंटरवल जीरो वन में एग्जिस्ट करता है, यानी फंक्शन ओपन इंटरवल जीरो वन में डिफरेंशिएबल है और इसलिए कंटिन्यूस है. देयरफॉर एफ ऑफ एक्स इज डिफरेंशिएबल, इज डिफरेंशिएबल एंड हेंस कंटिन्यूअस, क्योंकि हम जानते हैं एवरी डिफरेंशिएबल फंक्शन इज कंटिन्यूअस एंड हेंस कंटिन्यूअस इन ओपन इंटरवल जीरो वन. तो वन टू थ्री से, फ्रॉम वन टू थ्री, फ्रॉम फर्स्ट सेकेंड एंड थर्ड वी कंक्लूड दैट, we conclude that f of x is continuous, f of x is continuous in closed interval 0,1. closed interval 0,1 में पहले continuity establish किया हमने, अब boundedness theorem की दुहाई देंगे कि function closed interval में यदि continuous है तो वो उसी closed interval में bounded भी होता है.
लेते थोड़ा और बढ़ा चढ़ा के, बाई बाउंडेडनेस थ्योरम। वी नो दैट एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन, एवरी कंटिन्यूअस फंक्शन इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी इज बाउंडेड इन द सेम इंटरवल, इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। दस एफ ऑफ एक्स इज बाउंडेड इन क्लोज्ड इंटरवल जीरो। तो एक ऐसा उदाहरण हमने कोट कर दिया, उद्धृत कर दिया, जो क्लोज्ड इंटरवल जीरो वन में बाउंडेड वेरिएशन वाला तो है, सॉरी बाउंडेड तो है लेकिन बाउंडेड वेरिएशन वाला नहीं। वीडियो लाइक करें, थैंक यू। ये अभी चलता रहेगा, थोड़ा सा चलेगा अभी, कई प्लेलिस्ट, अरे कई वीडियोस बनेंगे, हमको लगता है अभी चार पांच वीडियोस बनेंगे इस पर।